नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,26,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 2,163 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1,26,990 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 117, अरवल में 24, औरंगाबाद में 31, बक्सर में 23, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 73, भोजपुर में 56, बक्सर में 35, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 132, गया में 68, गोपालगंज में 36, जमुई में 8, जहानाबाद में 30, कैमूर में 18, कटिहार में 62, खगड़िया में 30, किशनगंज में 48, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 21, मधुबनी में 97, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 124, नालंदा में 36, नवादा में 20, पटना में 339, पूर्णिया में 93, रोहतास में 37, सहरसा में 51, समस्तीपुर में 46, सारण में 97, शेखपुरा में 25, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 56, सिवान में 29, सुपौल में 49, वैशाली में 48, पश्चिम चंपारण में 32। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,06,765 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से अब तक 653 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की समय सीमा में हुई बढ़ोतरी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस परमिट रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस परमिट आदि डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुका है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाला है, उनकी वैधता का विस्तार किया गया है। लॉकडाउन की वजह से विस्तार किया जा चुका है, जिसके बाद उन सभी का लाइसेंस 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है, साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को इसके अनुपालन का निर्देश भी दे दिया है। फाल्गु नदी के जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट से मिली मंजूरी। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में फाल्गु नदी के जीर्णोद्धार के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी के बाएं तट पर सालों भर पानी देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर अब 226 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि गया शहर के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए फाल्गु नदी में साल भर पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे गया में पिंडदान करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सालों भर पानी मिलता रहेगा। साथ ही इस नदी में सुविधा भी होगी और गया की प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। आने वाले 2 साल में हर बिहारवासी के घर में होगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के बाद ऊर्जा विभाग में कार्य योजना बना ली गई है, जिसके बाद अब 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के घर में 2 साल में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का फैसला सुना दिया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बिजली कंपनी ने कुछ इंजीनियर कोविड-19 के माहौल के दौरान स्मार्ट मीटर लगाने की दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब कंपनी के अधिकारियों के निर्देश के बावजूद फील्ड में मीटर लगाने वाले फ्रांस की एजेंसी के कर्मियों को जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों का भी इस मामले में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो उन पर भी सख्ती से पेश आने की बात भी कही गई है। ग्रेटर पटना का ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। ग्रेटर पटना का प्रशासनिक आकार लगभग तैयार हो चुका है। पटना के 7 प्रखंडों पर 26 एकड़ भूमि ग्रेटर पटना का हिस्सा बन जाएगी, जिससे लगभग 500 गांव लाभान्वित होंगे, जबकि 16,81,000 जनसंख्या को विशेष तौर पर लाभ मिलने वाला है। आने वाले 3 सालों में ग्रेटर पटना के इलाके की तस्वीर भी अब बदल जाएगी। पहले चरण में यातायात सुविधाएं बढ़ाने वाली है, जिसके साथ ही आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री ने बीते दिन ग्रेटर पटना के इलाकों का मुआयना कर अधिकारियों को समुचित निर्देश भी दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 480 एकड़ भूमि में ग्रेटर पटना के हिस्सों में जाएगी, जिसमें 49 गांव सम्मिलित होने वाले हैं। सीबीआई ने लगातार 6ठे दिन सिद्धार्थ पिठानी से की पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हर दिन सीबीआई को नए मामलों की जानकारी भी मिल रही है। इसी बीच लगातार सीबीआई ने अपने 6ठे दिन के जांच में भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है, जिसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने साझा की है। अधिकारी ने बताया है कि सांताक्रूज में कलीना स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगातार 6 घंटे से ज्यादा समय तक सिद्धार्थ से पूछताछ हुई है। इस गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। वहीं सीबीआई की एक और दल ने सरकारी कूपर अस्पताल का दौरा भी किया है, साथ ही सुशांत का पोस्टमार्टम जहां पर किया गया था। बिहार में रिकवरी रेट पहुंचा 83.74% पर। बिहार में कोविड-19 के मामले भले ही लगातार बढ़ते जा रहे हो, मगर ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में बहुत सुधार देखने को मिला है, साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 83.74% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बिहार बेहतर रिकवरी करने वाले 3 प्रमुख राज्यों में भी शामिल हो गया है। बिहार के अलावा दिल्ली में 90%, तमिलनाडु में 84% ठीक होने वालों की संख्या दर्ज की गई है। वहीं देश में रिकवरी दर फिलहाल 75% है।
कोविड-19 के माहौल में पटना हाईकोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। सामान्य दिनों में पटना हाईकोर्ट ने इतने मामलों की सुनवाई नहीं की होगी जितना कोविड-19 के माहौल में वर्चुअल तौर पर कर ली है, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साझा की है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया है कि कोविड-19 के माहौल में पटना उच्च न्यायालय ने वर्चुअल तरीके से सुनवाई कर 26,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन कर पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि बहुत जल्द उपस्थिति के द्वारा न्यायालय काम करना शुरू कर देगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विनय पाठक की। विनय पाठक आमतौर पर लोग अभिनेता के तौर पर जानते हैं। उन्होंने खोसला का घोसला, भेजा फ्राई, आइलैंड सिटी और जॉनी गद्दार में बखूबी अपना अभिनय दिखाया था। उन्होंने रब ने बना दी जोरी में भी काम किया है। इसके साथ ही कई फिल्मों में अपनी कला को दर्शाने वाले पाठक का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। उन्होंने रांची के अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, जिसके बाद उन्होंने यूएस से अपने आगे की पढ़ाई पूरी की है। विनय के करियर की शुरुआत 1999 से पहले ही हो गई थी। 1999 में उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल हिप हॉप हुर्रे में भी काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई रियलिटी शो को भी होस्ट किया है। गंगा नदी में डूबी नाव, कई लोग हुए लापता। सोनपुर के संबलपुर के पास गंगा नदी में बीते दिन नाव डूब गई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 से 30 यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूब गई है। हालांकि कई लोग अभी भी लापता है, जिनका पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अब तक नाव में सवार कई लोगों को बाहर भी निकाला है, वहीं अन्य सभी की तलाश लगातार जारी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। और बताया जा रहा है कि एक नाव पर सवार होकर 25 से 30 लोग यात्रा कर रहे थे, तभी नाव पलट गई। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले अतिथि शिक्षकों को रोका गया बीच रास्ते में ही। मुख्यमंत्री आवास पर बीते दिन जा रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने इको पार्क के पास ही रोक दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन कई विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने फरियाद लगाने पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं मुख्यमंत्री आवास के पास जा रहे शिक्षकों ने बताया कि हमें अपने ही विभाग में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा गया है, जबकि सभी सिटी में वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन फिर भी हमारी नियुक्ति नहीं की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा शिक्षकों को रोकने के क्रम में बल का प्रयोग भी करना पड़ गया। नियमों का पालन नहीं करने वालों से अब तक पुलिस ने वसूले 4 करोड़ से ज्यादा रुपए। बिहार में लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 3 को सफल बनाने के लिए लगाए गए पुलिस मुख्यालय की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वाहन चेकिंग मुहिम के तहत नियम तोड़ने वालों की कतार बढ़ती जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने एडीजी जितेंद्र कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार गृह विभाग के आदेश का पालन करते हुए बिहार में 1 अगस्त से अब तक कुल मिलाकर बिना मास्क पहने 1,25,406 लोगों की अब तक 62,70,800 रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं कुल मिलाकर अब तक नियमों का पालन नहीं करने वालों से 4,52,64,270 फाइन के रूप में लिया जा चुका है। बिहार में जल्द ही बनेगा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंचाई एवं बाढ़ क्षेत्र की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके तहत उन्होंने सिंचाई विभाग में एक साथ 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर विभाग के कार्यों की उन्होंने सराहना भी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जल्द ही फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मिशन मोड में जल जीवन हरियाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। वाम दल ने महागठबंधन में शामिल होने का जारी किया ऐलान। प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है। वाम दल ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वाम दल के नेताओं ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ बैठक में अपना फैसला सुनाया है। महागठबंधन में सीटों को लेकर मची खींचतान के बीच राजद ने वाम दलों के साथ महागठबंधन करने को लेकर प्रदेश कार्यालय में बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया था। इस बैठक में सीपीआई और सीपीएम के नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद लेफ्ट के नेताओं ने एक सुर में कहा कि महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पटना में लोगों को किराए पर मिलेगी अब साइकिल। पटना में लोगों को किराए पर आसानी से साइकिल मिल जाएगी। पटना नगर निगम ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना के शुरू करने का फैसला लिया है। कोविड-19 के माहौल में इस तरह की योजना से सबसे ज्यादा फायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे लोगों को होगा। इस योजना के लिए पटना नगर निगम ने पटना के 72 जगहों पर साइकिल स्टैंड बनाने का फैसला लिया है, ताकि शहर के अधिकतर इलाकों में लोगों को सुविधा का लाभ मिल सके। चुनावी मैदान में उतरी भाजपा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 29 अगस्त से दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार भाजपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शिरकत करेंगे। भूपेंद्र यादव इस दौरान बीजेपी के बिहार के प्रभारी महासचिव भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक के दौरान पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव के अलावा जेपी नड्डा का भी संबोधन होगा। शनिवार को होने वाले इस बैठक की शुरुआत शाम 4 बजे से होगी, जो कि 2 घंटे तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है।
लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के बयान से हुए नाराज। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू को लेकर अपना बयान जारी किया था, जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव की तरफ से दिए गए बयान से लालू यादव नाराज है, जिसमें उन्होंने रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की थी। लालू यादव की कोशिश है कि चुनाव से पहले रघुवंश प्रसाद की नाराजगी दूर की जाए, मगर तेज प्रताप के ऐसे बयान होने के नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पिता के साथ मुलाकात में तेज प्रताप अपने विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के संबंध में भी बातचीत कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर जिले के विधानसभा सीट हसनपुर से चुनावी मैदान में उतरने की पहल कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के पूर्व महासचिव अविनाश पांडे करने वाले हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के बिहार मामलों में के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधायक दल के नेता सदानंद सिंह इस समिति में सदस्य होंगे। महागठबंधन में आई फूट की वजह से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया लालू एंड फैमिली के अहंकार को कारण। राजद के रवैये से नाराज चल रहे नेताओं को लेकर के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद के विधान परिषद सदस्य ने पदाधिकारी और एक साथ बड़ी संख्या में पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। यह पार्टी के दुर्दिन का संकेत है। जो लोग 15 साल से राज करने के लिए नशे की खुमारी में अब तक नहीं उतरे हैं, वो छोड़कर जाने वालों को अपने साथियों का अपमान कर रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी और महागठबंधन दोनों के ही खराब स्थिति की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसकी वजह केवल राजद का अहंकार है। राबड़ी आवास के बाहर जमकर हुआ विरोध। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध किया है। राजद में रामा सिंह को शामिल करने के कयास को लेकर राजद कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली है। हाथ में पोस्टर लेकर राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे राजद कार्यकर्ताओं ने रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने का विरोध किया है। आपको बता दें, इससे पहले रघुवंश बाबू ने भी रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने का विरोध में अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया था। हालांकि पार्टी ने उनके इस्तीफे को इनकार कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी दिखे नाराज। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। वैसे जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी यह बताने के लिए काफी है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में तनातनी का माहौल जारी है। जदयू की वर्चुअल रैली पर श्याम रजक ने साधा निशाना। जदयू से अलग होने के बाद श्याम रजक के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। श्याम रजक ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उनके वर्चुअल रैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को अब जनता की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने लोगों के बीच नहीं जाना चाह रहे हैं। क्या वो राजा की तरह समझते हैं, जनता की दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, अब जनता ने उनसे दूरी बना ली है। श्याम रजक ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव आते ही वो योजनाओं के उद्घाटन में जुट गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सुशांत को लेकर कही अहम बात। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, मगर अभी भी कई लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे सफल अभिनेता ने अपने साथ ऐसा कुछ कर लिया है। उन्हीं को याद करते हुए बीते दिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक फोटो शेयर की है। नवाजुद्दीन ने सुशांत के बारे में बात करते हुए कहा कि सुशांत जिंदगी से भरपूर और बेहद बातूनी था। वो अपने शब्दों से ज्यादा भी खेलता था। मैं सुशांत से कई बार मिला हूँ। हम दोनों ने वाकई में एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं जब भी उसे मिलता था वो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती थी। हमारे बीच वो नहीं रहा, इस बात पर यकीन करना मेरे लिए काफी मुश्किल है। और वो अपनी लाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आईसीसी रैंकिंग में विराट और रोहित शर्मा का जलवा है कायम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कप्तान विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कायम है। विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, वहीं रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर कायम है। पाकिस्तान के बाबर आजम 338 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए। वहीं वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर बने हुए। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले नंबर पर है। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के जेम्स एडर्सन को 6th स्थान की लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने 25 अगस्त को साउथहैम्पटन में खत्म हुए पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में इतिहास रचा था। व्हाट्सएप में स्टोरेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति। व्हाट्सएप के विश्व भर में कई सारे यूजर है। अब इतने यूजर को ध्यान में रखते हुए कंपनी हर बार नए फीचर्स को लेकर आ रही है। कुछ दिनों पहले भी व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड बीटा के लेटेस्ट वर्जन में एक नया फीचर एड ऑन किया था। वहीं अब यूजर को स्टोरेज की समस्या को दूर करने के लिए कंपनी की माने तो व्हाट्सएप के इस फीचर के जरिए यूजर को अपने फोन में स्टोरेज करने में काफी सफलता हासिल होगी। फीचर के माध्यम से यूजर स्पेस में वृद्धि कर सकेंगे। इतना ही नहीं, फॉरवर्ड और कई फिल्टर फाइल भी सर्च की जा सकती है। सुविधा प्राप्त
आसानी से होगी। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप स्टोरेज को साफ करने के लिए भी सजेस्ट करेगा। यूजर के पास रिव्यू का ऑप्शन भी होगा ताकि बगैर आवश्यक फाइल्स को मिटा सके। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमलेश कुमार, नीतीश कुमार, सनी देओल, अनिल कुमार पासवान, राहुल कुमार श्रीवास्तव, अरमान बाबू, कुंदन कुमार सिंह, राहुल कुमार, भोला पासवान, भोला प्रजावती, दिव्यांशु कुमारी, राकेश कुमार, रोशन कुमार, मुकेश कुमार, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सीट शेयरिंग के मुद्दे को महागठबंधन दल सुलझाने में क्या कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।